वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में बच्चों हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास फोर साइंस का चैप्टर नंबर 11, जल है जीवन। जल है जीवन, कि हम सभी को पता है कि जल ही हमारा जीवन है, क्योंकि जल के बिना किसी भी जीवधारी का जीवन संभव नहीं है। जल की उपयोगिता के बारे में भी हम सभी को अच्छे से पता है कि जल की क्या उपयोगिता है। सुबह से लेकर शाम तक प्रतिदिन हम ना जाने कितने कार्यों में ही जल का प्रयोग करते हैं, नहाने से लेके खाना बनाने, पानी पीने के लिए और कपड़े धोने के लिए, साफ सफाई के लिए, कितनी सारी चीजें हैं जिसमें जल का उपयोग किया जाता है। तो जल ही जीवन है, इसके महत्व को समझते हुए ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है। किस डेट को? 22 मार्च को। 22 मार्च को बच्चों विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें जल की महत्वता को समझाने के लिए अक्सर विद्यालयों में इस दिन एक आयोजन किया जाता है। जैसे पोस्टर प्रतियोगिता के रूप में बच्चों को ये कहा जाता है कि आप जल ही जीवन है पर, या पानी बचाने के उस पर आप कोई ना कोई पोस्टर बनाइए। बच्चे उसमें बहुत उत्साहित होकर पार्टिसिपेट भी करते हैं और वे जो है उसमें उसके माध्यम से उन्हें जल के महत्व को पता चलता है कि जल का कितना महत्व है और जल कितना बचा के खर्च करना चाहिए, कैसे उसकी बचत करनी चाहिए, उसके स्रोत क्या क्या है, इन सारी तमाम चीजों के बारे में बच्चों को उस प्रतियोगिता के माध्यम से पता चलता है। इसीलिए जो है विश्व दिवस के रूप में 22 मार्च को मनाया जाता है, जल विश्व दिवस के रूप में। ओके, तो इसको जो है हमने देखिए क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास किया है कि सेव वाटर सेव नेचर। यदि हम जल की बचत करेंगे तो हमारे प्रकृति की भी सुरक्षा होगी, यानी हमारे नेचर की भी सुरक्षा होगी, हमारा नेचर सुरक्षित रहेगा। क्योंकि कैसे सुरक्षित रहेगा, उसकी एक साइकिल है। पानी के बिना पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते और पेड़ पौधों के कारण ही वर्षा होती है। तो इस दोनों का ही अपने में अलग अलग बहुत महत्व है। पानी पेड़ में डाला जाएगा तो पेड़ की ग्रोथ अच्छी होगी, पेड़ बड़े होंगे, जिससे और हरे भरे पेड़ों के कारण ही वर्षा भी होती है। सभी को पता है कि पेड़ पौधे जितने ज्यादा होंगे पृथ्वी पर उतनी ही अच्छी वर्षा होगी, और वर्षा अच्छी होगी तो जल की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए, जितना हो सके पौधों की देखभाल करनी चाहिए, जिससे कि पृथ्वी पर पेड़ पौधों की कमी ना होने पाए। ठीक है, तो ये हो गया आपके जल के महत्व के बारे में। इसके कौन कौन से स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से जल हमें प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।